हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी लड्डू। ये लड्डू प्रोटीन, कैल्शियम, बायोटिन के बहुत ही अच्छे सोर्स हैं, इसलिए सर्दियों में इनको जरूर बना के खाएं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी हैं। मैं इसको बिना चीनी और बिना गुड़ के बनाने वाली हूँ, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। 2 कप मैंने यहाँ पे खजूर लिए हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो खजूर बहुत ही अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है। इसके साथ साथ ये बहुत ही सारे गुणों से भी भरपूर होता है। तो बस 2 कप खजूर लिए हैं, इनको गर्म पानी में मैंने भिगो के रख दिया है। आधे घंटे तक हमें खजूर को सोख करके रखना है। इसके बाद ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और इसकी जो गुठलियां हैं हमें अलग कर लेनी है। अब मैंने कढ़ाई ली है, इसमें डाल दिया है मैंने आधा कप काजू, आधा कप बादाम डाले हैं और आधा कप ही इसमें अखरोट डाले हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा आधा कप वाटरमेलन और पम्पकिन सीड्स। सीड्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये बायोटिन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। अगर बाल झड़ते हैं या बायोटिन की कमी है तो डाइट में इन सीड्स को जरूर शामिल करिए। इसके बाद मैंने लिया है 1/4 कप तिल और 1 टेबलस्पून मैंने खसखस ऐड कर दिया है। खसखस भी सर्दियों में खाना बहुत फायदेमंद रहता है, इससे सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। और इसके बाद मैंने डाला है आधा कप कोकोनट पाउडर और 1 चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाला है। इलायची को कूट करके बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इलायची डालने से। बस इसको 5 से 10 मिनट के लिए रोस्ट करना है। ऐसे ही रोस्ट किया है, बिना किसी घी के, बिना किसी तेल के हमें रोस्ट कर लेने हैं। तो गाइज ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसमें कोई भी घी, तेल या फिर चीनी, गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत ही हेल्दी है, आप भी जरूर ट्राई करना। तो देखिए ये जो ड्राई फ्रूट है बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं, मैंने इनको लो फ्लेम पे रोस्ट किया है। इसके बाद ये जो हमने डेट्स को सोक किया था ये भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनके गुठलियों को अलग कर लेंगे। गुठलियां अलग करने के बाद इसको मिक्सी के जार में ऐड करेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अगर आप वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं या फिर जिम जाते हैं तो ये लड्डू आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें हमने चीनी का यूज नहीं किया है। इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलेगी और बहुत सारे फायदों से भरपूर है ये लड्डू, इसलिए ये एक बार तो आप जरूर ट्राई करिए। तो ये जो पेस्ट बनाया है इसको हमने कढ़ाई में ऐड किया है और इसको 5 मिनट के लिए मैंने सेक लिया है। अच्छी तरह से भूनेंगे इसको, लो फ्लेम पे ही मैंने इसको भूना है। अगर आप विंटर में ये रेसिपी बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा जायफल को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, सर्दी जुकाम में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है जायफल, इसलिए इसको कद्दूकस करके आप इसी पेस्ट में मिक्स कर सकते हैं। खजूर का पेस्ट अच्छी तरह से सीख गया है, तो चलिए अब इसमें ये जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट करके रखे थे ये ऐड कर देते हैं और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो गाइज ये लड्डू खाने से बहुत सारा कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन और फाइबर हमें मिलता है और बायोटिन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। बायोटिन के लिए किसी भी तरह की टैबलेट खाने की बजाय अगर ये लड्डू आप खाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, आप भी जरूर ट्राई करना। बच्चों को भी आप ये लड्डू खिला सकते हैं, बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्दी है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है बच्चों को इसके खाने से। तो चलिए हमारा ये मिक्सचर बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसको आप चाहे तो लड्डू भी बना सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे ही सेट होने के लिए किसी थाली या प्लेट में भी ऐसे सेट करके रख सकते हैं। किसी भी थाली या प्लेट में जिसमें आप इसको सेट करें उसके नीचे आप बटर पेपर या फिर उसको घी से ग्रीस कर सकते हैं, उसके बाद ये बहुत इजीली सेट हो जाएगा। और सेट करने के लिए आप थोड़ी देर चाहे तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं या फिर 1-2 घंटे के लिए बाहर ऐसे छोड़ देंगे तो भी ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। ये जो बाकी बचा मिक्सचर है इसके मैं लड्डू ही बनाने वाली हूँ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।